अक्टूबर से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि अब समापन की ओर। शनिवार को मंदिरों में हुई विशेष पूजा अर्चना, अब रविवार को देश भर में मनाया जाएगा दशहरा। शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि अब समापन की ओर अग्रसर है। नवरात्रि में हालांकि सभी दिनों का महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी की विशेष पूजा अर्चना होती है। शनिवार को ये दोनों तिथियां एक साथ होने के कारण मंदिरों और घरों में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व रहा। नवरात्रि का उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं ने हवन और कन्या पूजन के साथ व्रत का पारायण किया। हालांकि अभी कुछ लोग रविवार को नवमी का मान करते हुए हवन और कन्या पूजन करेंगे। रविवार को दशहरा उत्सव भी मनाया जाएगा। कोरोना के कारण हालांकि इस बार सार्वजनिक उत्सवों की धूम पिछले वर्षों जैसी नहीं दिखी, लेकिन पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं आई। नवरात्र की इस बार सबसे खास बात ये रही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको इस बार मिशन शक्ति से जोड़ा। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी बंगला D2-147 में संदिग्ध परिस्थितियों में एक आत्महत्या की सूचना से पूरे राजधानी में हड़कंप मच गया। मामला DIG चंद्र प्रकाश की पत्नी से जुड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही राजधानी लखनऊ के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम उनके आवास पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब DIG की पत्नी पुष्पा प्रकाश की आत्महत्या की बात सामने आई। उन्नाव में तैनात DIG चंद्र प्रकाश की पत्नी पुष्पा लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र की स्थित अपने आवास पर बच्चों के साथ रहती हैं। आसपास के लोगों की सहायता से DIG की पत्नी पुष्पा को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। DIG चंद्र प्रकाश की पत्नी पुष्पा 38 साल की थी। घटना दिन में करीब 11 बजे की बताई जा रही है, लेकिन आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। DIG चंद्र प्रकाश की पत्नी पुष्पा प्रकाश की आत्महत्या का अभी तक राजधानी लखनऊ की पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। सुबह से शाम तक हो गया, लेकिन राजधानी लखनऊ की पुलिस अभी इसी जांच में जुटी हुई है कि आखिर पुष्पा प्रकाश ने किस कारण से आत्महत्या की है। हाई प्रोफाइल मामला है, इस वजह से पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर पारिवारिक कलह तो नहीं है। R9 TV की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। UP राज्य सेहत निगम के 40 करोड़ के फर्जीवाड़े की खबर R9 TV ने प्रमुखता से चलाया था, जिससे प्रमुख सचिव PWD ने R9 TV से तमाम दस्तावेज और कागजात मांगे हैं। राज्य सेहत निगम की हरिद्वार इकाई में 40 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था। यूपी राज्य सेहत निगम के जिम्मेदार अधिकारी ही विभाग को चूना लगा रहे हैं। महालेखाकार की जांच में जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसमें 40 करोड़ रुपए के नुकसान का मामला प्रकाश में आया है। इसकी खबर R9 TV ने जब प्रमुखता से चलाई तो PWD विभाग में हड़कंप मच गया। प्रमुख सचिव PWD नितिन रमेश गोकरण ने R9 TV से फर्जीवाड़े के दस्तावेज मांगे हैं। यूपी राज्य सेहत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से जहां विभाग को करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, वहीं विभाग की छवि भी खराब हुई है। उत्तराखंड भाजपा ने राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर 5 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। उत्तराखंड भाजपा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर 5 दावेदारों के नाम पार्टी हाईकमान को भेजे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत का कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार और कई सांसदों की राय शुमारी के बाद 5 नामों का पैनल तैयार किया गया है, जिसको हाईकमान को भेजा गया है, जिसमें मुख्य तौर पर राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी महेंद्र पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बगुणा, पूर्व सांसद बलराज पासी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल और राज्य मंत्री नरेश बंसल का नाम राज्यसभा उम्मीदवार के लिए भेजा गया है। हालांकि इसमें जो भी अंतिम फैसला होगा वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा और उसके बाद ही 27 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो अंतिम तारीख है, उससे पहले ही दावेदारों का नाम घोषित कर दिया जाएगा। विधानसभा में 57 विधायकों वाली भाजपा पूर्ण बहुमत में है, ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत जो होनी है वो 5 नामों में से एक नाम को लेकर होगी कि किसको केंद्रीय नेतृत्व फाइनल करके उत्तराखंड भाजपा को भेजता है। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने एक बम्पर नियुक्तियां निकाली हैं जो जल्द ही होने जा रही हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में बम्पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है।
जल्द ही राज्य में 763 डॉक्टर, 1412 नर्सेज व 80 एक्सरे टेक्नीशियंस के पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। डॉक्टरों के पदों पर अध्याचन चिकित्सा चयन आयोग को भेजा जा चुका है, जबकि नर्सेज और एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के लिए अध्याचन इस हफ्ते चिकित्सा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि 3 महीने के भीतर सभी पदों पर नियुक्ति कर उनको अस्पतालों में तैनाती दे दी जाएगी। लगातार स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति की मांग होती रही है। अब अधिकारियों के द्वारा अस्पतालों में नियुक्ति को लेकर गंभीरता दिखाते हुए 3 माह के भीतर सभी पदों पर नियुक्ति का दावा किया है। डीजी हेल्थ डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि शासन से अनुमति मिलने के बाद अब जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे तमाम अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों को भरा जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों को लेकर लगातार मांगे उठती रही हैं, जिसको लेकर अधिकारी अब गंभीर दिखाई दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हजारों की संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। बिना ओटीपी अब गैस सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 नवंबर से गैस कंपनियों ने गैस सिलेंडर डिलीवरी के सिस्टम में बदलाव किया है। 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर लेने का तरीका बदलने वाला है। अब सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा। आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। नए सिस्टम से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और सही ग्राहक की पहचान हो सकेगी। तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। हालांकि नए सिस्टम से पहले गैस संचालक चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूटर यूनियन के अध्यक्ष चमन लाल का कहना है कि एजेंसी नए नियमों को लेकर लोगों को पहले जागरूक करती, फिर चरणबद्ध तरीके से लागू करती। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास मल्टीमीडिया फोन नहीं है, ऐसे में 1 नवंबर से नए सिस्टम को लागू करने से ग्राहकों को त्योहारी सीजन में दिक्कत हो सकती है। ओटीपी सिस्टम लागू होने के बाद माना जा रहा है कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी सही समय पे होगी और कालाबाजारी पे बड़ी लगाम लगेगी। वेब सीरीज मिर्जापुर की बढ़ सकती है मुश्किलें। सांसद अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी से की है जांच की मांग। अनुप्रिया पटेल ने आरोप लगाया है कि इस वेब सीरीज के माध्यम से इलाके को हिंसक बताकर जिले को बदनाम किया जा रहा है। मिर्जापुर वेब सीरीज के दूसरे भाग का 22 अक्टूबर की रात को इंतजार खत्म हो गया है। जैसे ही प्राइम वीडियो पर यह सीरीज आई, लोग इसे देखने के लिए टूट पड़े और सोशल मीडिया पर इससे संबंधित पोस्ट की बाढ़ आ गई। लेकिन मिर्जापुर वेब सीरीज की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की सांसद और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने इसके खिलाफ जांच की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिर्जापुर विकासरत है। यह समरसता का केंद्र है। मिर्जापुर नामक वेब सीरीज के जरिए इसे हिंसक इलाका बताकर बदनाम किया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से जातीय वेमेंस से भी फैलाया जा रहा है। मिर्जापुर जिले की सांसद होने के नाते मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल की माने तो इस वेब सीरीज के माध्यम से जिले की छवि खराब की जा रही है। अनुप्रिया ने सीएम और पीएम दोनों से ही जांच की मांग की है। राजस्थान में पुजारी को दिन दहाड़े जलाने के मामले में पहले ही सनसनी फैली हुई है, तो वहीं यूपी के हमीरपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने एक मामूली विवाद में मंदिर के पुजारी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके इलाज के दौरान अब मौत हो गई है। मामला मुस्कुरा थाना इलाके के बसवारी इलाके का है, जहां एक पुजारी की बुलेरो और ट्रैक्टर में मामूली भिड़ंत हो गई थी, जिसे लेकर दबंगों और पुजारी के बीच विवाद हुआ था। इतनी सी बात के लिए दबंगों ने पुजारी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गई। वहीं इलाज के दौरान घायल पुजारी ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुजारी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया है। यूपी में लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। वहीं फिरोजाबाद में दबंग बदमाशों के हौसले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां छेड़खानी का विरोध करना एक छात्रा की मौत का कारण बन गया। फिरोजाबाद जिले में छेड़खानी का विरोध करना एक छात्रा को भारी पड़ गया, जिसमें दबंग बदमाशों ने घर में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने शुक्रवार की रात में घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसी में फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी की अभी तलाश जारी है। आपको बता दें कि 11वीं क्लास में पढ़ रही छात्रा का स्कूल जाते वक्त दबंगों ने रास्ता रोककर छेड़खानी का प्रयास किया था, जिसमें लड़की ने छेड़खानी का विरोध किया था, जिसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद फरार चल रहे आरोपियों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही एक आरोपी की तलाश अभी जारी है। यूपी में महिला और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन महिला और बेटियों के साथ दरिंदगी की खबरें सामने आ रही है। हालांकि सरकार बेटियों और महिलाओं के सुरक्षा के लिए
कड़े कदम उठा रही है। मऊ में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने एक लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। मामला मोहम्मदाबाद के वलीदपुर इलाके का है। यहाँ रहने वाली युवती अपने निजी काम से घर से बाहर गई थी, लेकिन घर वापस लौटते वक्त मोहल्ले के रहने वाले 3 युवकों ने लड़की का अपहरण कर लिया और उसे छत पर ले गए। उसके साथ छेड़खानी करने लगे। युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देख बदमाशों ने युवती को छत से नीचे फेंक दिया, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज आजमगढ़ में चल रहा है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा रही है। हाल ही में योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद भी दबंग अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन की टीम ने अतीक अहमद की कई संपत्तियों को ढहाने के बाद अब अतीक अहमद की एक बेशकीमती जमीन को कुर्क करके जब्त कर लिया है। इस बेशकीमती जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। 450 वर्ग गज में बनी यह जमीन शहर के धूमनगंज थाना क्षेत्र में है। प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की एक और संपत्ति कुर्क की गई है। सरकारी अमले ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की 450 वर्ग मीटर के प्लाट को कुर्क करके जब्त कर लिया। यह प्लाट शहर के धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीम सराय कॉलोनी में प्रयागराज कानपुर हाईवे पर स्थित है। इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह प्लाट खुद अतीक अहमद के नाम पर है। प्रशासन का दावा है कि अतीक ने अपनी काली कमाई के जरिए इसे हासिल किया था। यही वजह है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इसे कुर्क करके जब्त किया गया। बाहुबली अतीक अहमद की इस बेशकीमती जमीन को जब्त करने के साथ ही अतीक अहमद की और अवैध संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है, जिसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम और राजस्व विभाग की टीमें लगातार अतीक की बेनामी संपत्तियों का पता लगा रही हैं। इसके साथ ही अतीक अहमद के गैंग से जुड़े सदस्यों के बारे में भी उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। कानपुर पुलिस ने कल्याणपुर से मासूम के अपहरण और फिरौती के मामले का खुलासा करते हुए दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से कल देर शाम एक 3 साल के मासूम बच्चे का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और परिजनों से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए शहर की सीमाएं सील कर दी और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान सर्विलांस सेल की मदद से आरोपियों की लोकेशन बिठूर थाना क्षेत्र में मिली, जिसके बाद बिठूर पुलिस ने मंधना इलाके से बच्चे को बरामद करते हुए दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बेकरी संचालक का बेटा घर के बाहर से गायब हो गया था। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों अपहरणकर्ताओं को जांच के बाद जेल भेज दिया है। आजमगढ़ जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीन के महज कुछ टुकड़े के चक्कर में किस तरीके से भतीजा बन जाता है अपराधी। आजमगढ़ में भूमि विवाद को लेकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। भतीजे पर ही चाचा की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शराब पीकर आरोपी आया और ईंट से हमला कर दिया। एसपी ने बताया कि 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए तो भिजवा दिया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, इस समय वो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ताजा मामला एक 22 वर्षीय युवती का है, जिसकी मदद के लिए आश्वासन सोनू सूद ने दिया है। ये 22 वर्षीय जो युवती है वो बोन टीवी से पीड़ित है, जो कि सोशल मीडिया पे उसने मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद सोनू सूद उसकी मदद के लिए आगे आए। इस समय उस युवती को करनाल भेजा गया है, जिसकी मदद का आश्वासन सोनू सूद ने दिया है। सोशल मीडिया पर दबंग द्वारा एक दंपत्ति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मामला ललितपुर जनपद के थाना बानपुर अंतर्गत गुगरवारा का है, जहां बीच सड़क पर दंपत्ति को दबंग द्वारा मारा पीटा जा रहा। बताया गया है कि दबंग पर पहले से ही 302 का आपराधिक मामला दर्ज है एवं जेल से छूटकर आने के बाद उसने गांव में फिर से लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी है। हालांकि बताया गया है कि यह पुराना कोई विवाद था, जिसके कारण यह मारपीट हुई है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, साथ ही दबंग के साथ जो मारपीट कर रहा था उसकी गिरफ्तारी भी की गई है।
केवल, लेकिन जो दबंग है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर पर अवैध सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस व आबकारी विभाग ने छापा मारकर मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये केमिकल फैक्ट्री कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर के कटोला गौसपुर इलाके में सुनसान जगह पर बनी हुई थी। आबकारी विभाग ने छापेमारी कर इस फैक्ट्री से केमिकल और सैनिटाइजर बरामद किया है। पूछे जाने पर वहां मौजूद लोग इसका कोई भी लाइसेंस या कागज नहीं दिखा पाए हैं। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। पूरे विश्व में उत्तराखंड की बेटी कनुप्रिया रावत ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। दुनिया भर से क्लिनिकल साइकोलॉजी पर रिसर्च के लिए पोलैंड की काजिमिर्ज यूनिवर्सिटी के लिए 5 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें से एक भारत के उत्तराखंड राज्य की रहने वाली कनुप्रिया रावत भी है। मूल रूप से चमोली जिले के बूंगा गांव और हाल में रायवाला निवासी कनुप्रिया पोलैंड की यूनिवर्सिटी में खेल मनोविज्ञान पर रिसर्च करेंगी। 4 साल तक मुफ्त रिसर्च के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी है। इस शोध से वह खासकर जूडो और हॉकी खिलाड़ियों को उम्दा प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगी। प्रिया के चयन के बाद जहां परिवार में खुशी की लहरें हैं, वहीं पूरा प्रदेश भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऋषिकेश से राव राशिद R9 TV उत्तराखंड।